हेलो टू यू ऑल एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक फर्स्ट क्लास मज़े में होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरिएंट का एसी, जो कि ब्रांड न्यू है, जिसको आज ही इंस्टॉल किया गया है और इसका मॉडल जो है काफ़ी मज़े वाली चीज़ है। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी नई वीडियो आएंगी उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिमोट की, ओरिएंट का रिमोट। ये किस पर्पज़ के लिए है, ये क्यों है, ये क्यों कर क्या करने के लिए आया इस दुनिया में? ये एसी को ऑन करने के लिए आया मेरी जान। चलो फिर सबसे पहले आ जाता है सर जी ऑन ऑफ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी ये दूसरा वाला ऑप्शन, इसके बाद आ जाता है जी तीसरा ऑप्शन, चौथा, पाँचवा, छवा, सातवा, आठ, नौ, दस, ग्यारह। इसमें ग्यारह बटन है और इन ग्यारह बटन के अपने अपने काम हैं। चलो फिर आपको दिखाते हैं इनके काम क्या क्या हैं। सबसे पहले ऑन ऑफ़ पे आ जाते हैं। ऑन ऑफ से आप अपने एसी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसके नीचे, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा हीट, कूल, फैन, फास्ट, ठीक है जी। ये आपको, आप इसको आप कहीं पे भी रख के अपने रूम के टेम्परेचर को जिस पर्पज़ पर आप चलाना चाह रहे हैं, कूलिंग पर चलाना चाह रहे हैं, हीट पर चलाना चाह रहे हैं, तो आप इसको चला सकते हैं। इसके नीचे आपको मिल जाता है फ़ैन का ऑप्शन। फ़ैन को आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपने फ़ैन को किस मोड पे चलाना चाह रहे हैं, फास्ट पे, स्लो पे, लाइट पे या फिर ऑटो पे। ये आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं जी इस पे। ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है जी, आप अगर आप अपने एसी की सर्विस नहीं करवाना चाहते तो आप इस बटन को दबा के अपने एसी को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने से ये होगा कि आप अपने एसी को खुद से सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे आ जाता है टर्बो। अगर आप अपने एसी को ज़्यादा देर जल्दी इसको कूलिंग इसकी लेना चाह रहे हैं तो आप टर्बो वाले बटन को दबा के आप अपने एसी के स्पीड की विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी ये एलईडी। एलईडी का मतलब ये कि जो आपके एसी के ऊपर जो लाइट है उसको ऑन ऑफ आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने इस रिमोट में एक ये काम किया हुआ है, विंग्स को ऊपर नीचे करने वाला, स्लाइड वाला। इन्होंने इसकी जगह दो बटन की जगह एक बटन दे दिया। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आपके एसी के जो विंग्स हैं वो नीचे अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको दबाएंगे तो आपका एसी जो है वो स्विंग मोड पर चला जाएगा, यानी कि अपने आप ऊपर नीचे आगे पीछे होगा। अगर आप चलाते हैं अपने एसी को, कोई टाइमर लगाते हैं तो आपका अगर एसी टाइमर लगा होगा तो आप टाइमर लगाने के लिए इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और अपने टाइमर को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जब आप चाहते हैं कि आप अचानक अगर अपने रूम से बाहर आ गए और एसी बंद करना भूल गए तो फिर आप इस बटन को भी साथ एक्टिवेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप अपने रूम में से बाहर भी चले जाएँ जो आपने टाइम सेट किया होगा तब तक आपका एसी ऑफ हो चुका होगा और आपकी बिजली भी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि यह आपका आज को जो है वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त, फी मांगा।